करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं बहुत यूनिक टॉपिक है। यूनिक टॉपिक इसलिए है कि मैक्सिमम लोग उस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं आज बहुत सारी ऐसी बातें करने जा रहा हूं आपके सामने जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई जर्नली मंच पर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, मैं आरसीएम की वो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जब सन 2000 में मैंने आरसीएम चालू किया। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग क्या होता था, इंडिया में कोई नहीं जाता था, न ब्यूरोक्रेट्स जानते थे, न राजनीतिक लोग जो बड़े पदों पे हैं वो जानते थे, और न ही प्रशासनिक लोग, न ही पुलिस और कोई ऐसी संस्था जो सम्मानीय लोग थे वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते थे। तब सन 2000 में मैंने अपना बिजनेस करियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाया, लेकिन जैसे तैसे गाड़ी चलती गई और सन 2011 का वो वक्त आया जब राजस्थान गवर्नमेंट ने जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स थी, बहुत सारी गोल्ड चेन वगैरह की स्कीम थी, उन स्कीमों पर जब बैन लगाया तो आरसीएम पर भी इंक्वायरी हुई और दुर्भाग्यवश एक साल तक आरसीएम को बंद रहना पड़ा। आरसीएम के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा था कि एक साल बाद 2012 में डायरेक्ट सेलिंग पर राजस्थान सरकार गाइडलाइन लेकर आई। लेकिन राजस्थान सरकार तो लेकर आ गई थी, केरला सरकार लेकर आ गई थी, लेकिन दूसरे सारे जो स्टेट्स थे उसके अंदर तलवारें लटकी हुई थी, क्या करें। लेकिन लगातार डिस्ट्रीब्यूटर के प्रयासों से, जितने भी हमारे संगठन हैं उनके प्रयासों से 2016 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन बना दी। लेकिन ये गाइडलाइन क्या बनी है, ये क्या चीज है, कौन सी कंपनियां इसके अंदर काम कर पाएगी, कौन सी कंपनियां काम नहीं कर पाएगी, इसे हमें आज गहराई से समझना है। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर हमने अपना नाम रजिस्टर्ड करा दिया तो हमारा प्लान कैसा भी हो चलना वाला है, चलेगा। ये आपकी गलत फहमी है। जब डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आप आवेदन देते हैं कि मैं कंपनी चालू करने जा रहा हूं, तो आप एफिडेविट देते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि मैं भारत सरकार के जितने भी गाइडलाइन हैं, जितने भी रूल हैं, जितने भी कानून हैं, उनका पालन में हम करेंगे और इसके आधार पर वहां पर आपको अनुमति मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो आपकी कंपनी एकदम सही है और आप एकदम सही कर रहे हैं और कंज्यूमर का हित उसके अंदर रहेगा। आपने जब गाइडलाइन की हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जो डायरेक्ट सेलिंग मनी सर्कुलेशन स्कीम को बिल्कुल अलग अलग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जब राजस्थान गवर्नमेंट की बनी तो मेरा बहुत बड़ा उसके अंदर साथ रहा था, क्योंकि जब गाइडलाइन का एक एक पॉइंट लिखा गया था तब मैं इस सिस्टम के साथ था और हम पूरे जुड़े हुए थे इस पूरे एपिसोड के द्वारा। तो मुझे थोड़ा सा जो अनुभव है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2016 में जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाई तो इसका मतलब नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनने के बाद केंद्र सरकार जो है इन सारी बिजनेस के ऊपर ध्यान रखेंगे। 2016 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को एक मॉडल गाइडलाइन बना के दी, जिसके तहत राज्य उस मॉडल को समझते हुए अपने यहां पर कानून बनाए, अपने यहां नियम बनाए, अपने यहां गाइडलाइन बनाए और बहुत सारे राज्यों ने ये गाइडलाइन बनाई, जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में गाइडलाइन बनी है, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, गोवा ने बनाई है, तमिलनाडु ने बनाई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, वेस्ट बंगाल ने बनाई है, मिजोरम ने बनाई है, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 11 स्टेट है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई है। लेकिन दूसरे स्टेट है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन नहीं है। जहां दूसरे स्टेट है जहां डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन नहीं है वहां मोटा मोटी केंद्र सरकार की गाइडलाइन काम आएगी, लेकिन जिन स्टेटों में स्टेट की गाइडलाइन है उन स्टेटों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने जब 2016 में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वो इस गाइडलाइन को मॉडल मानकर अपने यहां पर गाइडलाइन बनाए, तो उस गाइडलाइन के मुख्य पॉइंट क्या थे जो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी अगर हिंदुस्तान में काम करती है तो सबसे पहले जरूरी है कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो भी रजिस्ट्रेशन उसे कराने कराइए, कंपनी एक्ट में, जीएसटी एक्ट में, इनकम टैक्स के द्वारा, जितने भी अदर हिंदुस्तान में काम करने के लिए लॉ लागू होते हैं उसके अंदर उस कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
दूसरा जो नियम रखा कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए वो था कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट लेकर आएगी तो प्रोडक्ट पर मिनिमम उसे कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए 30 दिन की बाई बैक गारंटी देनी पड़ेगी। यानी कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को लेता है और 30 दिन तक अगर उसे समझ में नहीं आता तो उसे पूरा मनी बैक यानी पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। जो कंपनियां ये मनी बैक गारंटी नहीं दे रही है वो उल्लंघन कर रही है। जो कॉलम है 2 उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि क्लोज 2 के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि वो कंपनियां अवैधानिक है जो गारंटी नहीं देती 30 दिन की बाई बैक की। तीसरा जो पॉइंट है कि जो भी एमएलएम कंपनी के प्रमोटर हैं डायरेक्टर हैं वो भारत के कानून के अंदर क्रिमिनल कानून के अंदर अगर उन्हें 5 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई है तो वो उन पदों पर नहीं रह सकते, यानी कंपनी का संचालन वो लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर या उससे रिलेटेड आदमी को कोई भी सजा हो चुकी है तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि वो उन पदों पर रहने के अधिकारी नहीं है। चौथा जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है वो चौथा यह है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आइडेंटिटी कार्ड जारी करना पड़ेगा। उस आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंज्यूमर के पास जा सकता है, यानी वो आइडेंटिटी कार्ड उसके पास हमेशा होना चाहिए। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हालांकि पूरी गाइडलाइन मैंने पढ़ी लेकिन जो जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं जिन चीजों पर आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बता रहा हूं। भ्रामक अनुचित या संभावित बिक्री पर कोई भी प्रलोभन दिया गया है अगर कोई भी कंपनी इस तरह का ब्यौरा देती है तो वो पूरी तरह इनवैलिड है, ऐसी कंपनियों को कभी भी बंद किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कोई कंपनी छठे पॉइंट में ऐसा कोई भी वादा नहीं कर सकती जो वादा कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल, कोई कंपनी ये कहे कि साहब आप हमारे इस बिजनेस को कीजिए और आपको कमीशन के रूप में हम आपको चांद पर प्लॉट देंगे, तो जो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो इस तरह का कोई भी चीज जो वर्तमान समय में संभव नहीं है ऐसी कोई भी चीज कंपनी नहीं कर सकती। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूं उसे आपको समझना जरूरी है, कोई भी कंपनी अपने किसी भी कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर को मेंबर को किसी भी सामान को खरीदने के लिए न उत्पीड़न दे सकती है और न ही प्रलोभन दे सकती है। अगर ये करते हैं तो वो धोखाधड़ी की परिभाषा में आती है। किसी भी तरह से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके पास कि आपको हर महीने इतना प्रोडक्ट खरीदना जरूरी ही है। अगर कोई भी कंपनी इस तरह की कोई भी चीज अपने नियमों में रखती है तो कंपनी तुरंत बंद करने योग्य है और वो कंपनी नहीं चलाई जा सकती है। भारतीय उस गाइडलाइन में वो कंपनी बिल्कुल जीरो हो सकती है अगर कोई शिकायत करे तो। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी कोई कंपनी या आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कहीं आपको इस तरह से नहीं कहा गया कि आपको अगर ये कमीशन चाहिए तो इतना माल आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा कहती है तो साफ साफ एकदम गाइडलाइन में लिखा गया है बिल्कुल भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उत्पीड़न नहीं कर सकते कि ये करोगे तो ही हम आपके साथ ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो कंपनियां बहुत जल्दी फंसने वाली है। अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी कंपनी किसी भी ज्वाइनिंग का पैसा नहीं ले सकती है। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको पर्टिकुलर इतना सामान लेना पड़ेगा तो वो कंपनी पूरी तरह से इनवैलिड है, उसे कभी भी बंद कराया जा सकता है और न ही 1 साल के बाद नवीनीकरण का कोई शुल्क लिया जा सकता है कि भाई आपका रिन्यूअल कर रहे हैं हम तो आपका शुल्क लेंगे। अगर कोई कंपनी रिन्यूअल भी करती है रिन्यूअल का भी पैसा लेता है तो पूरी तरह अनवैलिड है। इस तरह को कंपनियां सारी तरह बिल्कुल नल और अवॉइड हो जाएगी इसके अंदर। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि
आज की तारीख में जब मैं मैक्सिमम प्लान जब लोग मेरे पास लेकर आते हैं, दूसरी कंपनी के लोग समस्त जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से प्रश्न पूछते हैं, उसका मेरा जो अनुभव है वो ये बहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्तियों को ज्वाइन कराने से, पिरामिड बनाने से, स्ट्रक्चर बनाने से, पेयर बनाने से, अगर पेयर मैच कर लेते हैं इस तरह की कोई भी इनकम जो किसी व्यक्ति को लाने से, ज्वाइन कराने से, पेयर बनाने से, मैच करने से ऑटोमेटिक होता है, वो सारी कंपनियां इनवैलिड हैं, उनको कभी भी ताले पड़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा गया है कि ज्वाइनिंग कराने से, यानी कोई व्यक्ति अगर आपके बिजनेस में आता है और आने से अगर आपको कोई फायदा होता है तो सभी तरह के फायदे इनवैलिड हैं और आप पर ताला लगाया जा सकता है। दोस्तों आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी कंपनी इस तरह का कोई काम तो नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो एक शिकायत ही काफी है और एक शिकायत से उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझना। और आज जो अंतिम पॉइंट है वो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं ये है दोस्तों कि ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन चिटफंड बैनिंग एक्ट जो है ऑलरेडी बना हुआ है और मनी सर्कुलेशन के दायरे में जब भी कोई कंपनी पैसा लेती है, मनी लेती है और उसे सर्कुलेट करती है तो वो कंपनी पूरी तरह से इनवैलिड है। एक के बाद ऑटोमेटिक जो भी कंपनी में आएंगे, दो तीन, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, ऑटोमेटिक इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, पिरामिड बन रहा है और इस पिरामिड बनने से कोई इनकम आ रही है तो वो सारी तारी इनवैलिड इनकम है और वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर नहीं आती है। तो आप ये देख लीजिए कि कहीं आपकी जो कंपनी है इस तरह का नहीं कर रही है, क्योंकि भाइयों ये आपके साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे जीवन में, वो होता है समय, क्योंकि जीवन में हर चीज वापस कमाई जा सकती है लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने अपने जीवन के 3 साल निकाल दिए तो 3 साल को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। 3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, वापस ला सकते हैं लेकिन वापस 3 साल नहीं आएंगे। तो जब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है तो आप ये देख लीजिए कि वो पिरामिड स्कीम के अंदर तो नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है तो उसके अंदर और चीजें क्लियर हो रही है। दोस्तों अभी अभी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन आई है, उसके अंदर तो अब ये चीजें भी बता दी गई कि कौन कौन सी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो ही नहीं सकते। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं आ सकते। कोई भी कंपनी डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, यानी कोई कंपनी कहती है कि साहब हमारे को आप आज 5,000 दे दीजिए, हम आपको बाद में इसे ज्यादा पैसा करके दे देंगे, वो कंपनी इनवैलिड है। कुछ कंपनियां हैं जो कहती है कि साहब इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हमारे थ्रू आप जमीन खरीद लीजिए, हमारे थ्रू शेयर खरीद लीजिए, हमारे थ्रू मकान खरीद लीजिए और इन्वेस्टमेंट को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आती है, वो भी इनवैलिड है। और वो जो कंपनियां जो IRDA से अप्रूव नहीं है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस करती है और लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कराया जाता है तो भी वो इनवैलिड है। कोई भी कंपनियां माल खरीदने के बदले, मेंबर बनाने के बदले आपको डिस्काउंट कूपन देती है, वाउचर देती है, तो ऐसी कंपनियों को भी बिल्कुल हटा दिया गया है। वर्चुअल करेंसी अगर कोई बिटकॉइन वगैरह का बिजनेस करती है उसे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हटा दिया है। कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेबसाइट बेचती है, वेब स्पेस बेचती है या ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में करती है तो भी इनवैलिड कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे ऐप पे जाइए और केवल क्लिकिंग करने का और सर्वे करने का आपको पैसा मिलेगा, वो कंपनियों को भी हटा दिया गया है। और इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी कंपनियां जो है डोनेशन के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग चलाती है, गिफ्टिंग के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग लगाती है, हेल्पिंग का कोई फंड बनाती है, अगर कोई कंपनी इस तरह का काम कर रही है तो वो भी पूरी तरह से वो इनवैलिड है दोस्तों। और अगले पॉइंट में लिखा गया है कि कोई तंत्र मंत्र डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचता है तो वो भी पूरी तरह इनवैलिड है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में बहुत गहराइयों पर गाइडलाइन बन रही है, आने वाले समय में जो गाइडलाइनें आ रही है, जो रूपरेखा हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां को जब ये पता चला कि प्रोडक्ट लाना जरूरी है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे लेकर आ जाती है जिसकी कॉस्टिंग को समझना बड़ा मुश्किल का टेढ़ी खीर का काम होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, वो कंपनियां भी इनवैलिड होने वाली है, वो कंपनियां भी आने वाले समय में गाइडलाइन के दायरे में नहीं आएगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट पर रेट ले लेती है, जो मार्केट में रेट जो मैक्सिमम रेट है उससे भी ज्यादा लेती है। जैसे एग्जांपल कोई कंपनी कहे कि साहब हमारा जो पेन है वो 500 रुपए का है, तो अगर आप उसे कहें कि 500 रुपए का पेन क्यों है तो वो अगर आपको सही कारण नहीं बताए, सिर्फ वो बताए कि साहब ये पेन जो है ना
किसी मंदिर में जाकर मंत्रा हुआ है इसलिए पेन की रेट बढ़ गई है, तो वो केवल दिखाने के लिए रेट रखती है और उसके एवज में साइड में वो पैसा आपसे कलेक्ट कर लेती है और उसको मनी सर्कुलेशन करती है, तो भी मनी सर्कुलेशन के दायरे में आती है। यानी आने वाले समय में ये मनी सर्कुलेशन का दायरा बहुत तेज गति से बढ़ने जा रहा है दोस्तों। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि कंपनी का सिलेक्शन जब आप करें तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि भाई यहां पर हमारा जिंदगी लग रही है, हमारा समय लग रहा है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ऐसी कई कंपनियों को मैं जानता हूं जो रातों रात कंपनियां चली और वो कंपनियां करोड़ों का बिजनेस करने लगी, ऐसा लगा कि उनके अलावा कोई कंपनी नहीं है। थोड़े समय पहले हरियाणा की एक कंपनी आई जिन्होंने करोड़ों रुपए लोगों को दिए और करोड़ों अरबों रुपए लेकर पता नहीं वो कहां चले गई। दोस्तों कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जिंदा रहेगी तो ही हम जिंदा रहेंगे दोस्तों। पूरा भविष्य डायरेक्ट सेलिंग पर टिका हुआ है। कुछ कंपनियां अच्छी है, सारी कंपनियां खराब नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो खराब है, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपकी कंपनी में ऐसा ऐसा कोई काम हो रहा है तो उसे रुकाइए, क्योंकि आने वाले समय में और गहराई से इस पर गाइडलाइन पर काम होगा और गहराई से इस पर कानून बनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जीवन बनने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग से भविष्य बनने वाला है, ये भारत सरकार जान गई है। रोजगार की कमी है, डायरेक्ट सेलिंग पूरी करती है। कोई अगर टैक्स चोरी करता है तो डायरेक्ट सेलिंग पूर्ति करती है। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी चीज है जहां पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो सरकारों को भी अब लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ही आने वाले समय में सबसे बड़ा जरिया है। दोस्तों मेरी बात पर आप बिल्कुल 100% ध्यान देंगे, अगला वीडियो फिर मैं आपके बीच में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। आपका प्यार बहुत मिल रहा है। जो पिछला वीडियो जो हमारा था उसके अंदर जो बेस्ट कमेंट जिन्होंने किया उनका नाम हम घोषित कर रहे हैं और उनका पूरा कमेंट हम सुना रहे हैं। आप भी ये जरूर लिखें कमेंट के अंदर कि आपको ये पुराने वीडियो में समझ में क्या आया। सबसे पहले लिखें आपके जीवन में ये वीडियो देखने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या समझ में आया, अगला वीडियो आप किस में जानते हैं, और साथ में आप अपना नाम और आपका नाम और आपकी सिटी लिखना ना भूलें। अगर नाम और सिटी लिख देंगे तो हम जो आपका कमेंट पब्लिश करेंगे उसके अंदर ये चीज चूक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आपकी टीम को सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।